पिछले एपिसोड में आपने सुना, जोया प्रिया और रोजी की फोन पर हो रही बातों को सुन लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि रोजी के बर्थडे पर वो प्रिया को तो अपने यहाँ सेलिब्रेशन के लिए आने को कहती है, लेकिन साथ ही साथ रोजी प्रिया को ये भी साफ कर देती है कि किसी भी कंडीशन में उसके साथ राघव नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस स्मॉल बर्थडे सेलिब्रेशन में उन दोनों के अलावा वहां पर ऋषि भी होगा, और अभी किसी भी हालत में राघव और ऋषि का आमना सामना नहीं होना चाहिए। उधर रिकी राघव को अलर्ट करते हुए कहता है कि अब उसे प्रिया का पहले से ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि सिंह पैलेस में अब जोया भी है और वो प्रिया को वहां पर देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी। इधर इंस्पेक्टर धनंजय शाह को ऋषि के बारे में पता चलता है, जिसे धनंजय शाह अपने अगले मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में सोचने लगता है। अब आगे जोया अपने जहन में चल रही प्रिया से जुड़े सवालों की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करने लगी। वो ये जानना चाहती थी कि आखिर ये ऋषि कौन है, जिसके जवाब ढूंढने के लिए वो देविका के रूम में पहुंची। वहां रूम में देविका और नैना आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जैसे ही उन दोनों की नजर जोया पर गई, उन दोनों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। नैना ने मुस्कुराते हुए जोया को हेलो किया और अपने पास वहीं सोफे पर बैठने के लिए इशारा किया। देविका ने मुस्कुराते हुए जोया से कहा, हेलो प्रिंसेस, हाउ आर यू? जोया ने भी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आई एम फाइन आंटी। उधर दूसरी तरफ जब देविका के रूम में ये बातें चल रही थी, राघव घर के अंदर एंटर हुआ। यहाँ से जाने से पहले वो जिस हाल में प्रिया को छोड़कर गया था, उसे प्रिया की फिक्र सता रही थी। राघव अपने रूम में जाने से पहले प्रिया के पास गया। प्रिया इस वक्त बेड पर बैठकर रोजी की बातों को याद कर रही थी और ये सोच रही थी कि वो राघव से किस तरह रोजी से मिलने जाने की परमिशन ले। प्रिया ने मन ही मन खुद से कहा, क्यों ना मैं राघव को ये साफ साफ बता दूं कि मुझे रोजी से मिलने जाना है, या फिर राघव से कुछ और बहाना करके बाहर जाने की परमिशन ले लूं। नहीं नहीं नहीं, मैं कोई और बहाना नहीं बना सकती, मुझे उसे रोजी से मिलने जाना है, यही बताना होगा। प्रिया इस बारे में सोच ही रही थी कि तब तक राघव प्रिया के डोर को नॉक करते हुए उसके सामने आकर बैठ गया। राघव ने प्रिया की फिक्र करते हुए उसे पूछा, तुमने कुछ खाना? प्रिया ने राघव के सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया और वो वहीं पर ऐसे ही चुपचाप बैठी रही। राघव ने खुद ही अपने सवाल का जवाब देते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि तुमने कुछ भी खाया होगा, अभी डिनर में थोड़ा वक्त है, तब तक कुछ पी लो, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ मंगवाता हूँ। राघव ने सर्वेंट को बुलाया और प्रिया के लिए एप्पल जूस के साथ कुछ खाने को भी मंगवाया। प्रिया ने टेबल पर रखे जूस की तरफ देखा और फिर रोजी से मिलने की परमिशन के लिए उससे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसे राघव ने कुछ भी कहने से रोक दिया। राघव ने टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, सबसे पहले इसे फिनिश करो, उसके बाद हम बात करते हैं। राघव प्रिया के रूम से बाहर जाने के लिए उठा और रूम से बाहर जाने से पहले वहीं डोर पर रुक गया और पलटकर प्रिया से कहा, मैं अभी वापस आ रहा हूं, उससे पहले ये सब फिनिश हो जाना चाहिए। इतना कहते हुए राघव वहां से अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। प्रिया दोबारा राघव का अपने रूम में आने का वेट करने लगी, ताकि वो उससे रोजी के यहाँ जाने की परमिशन ले सके। इधर दूसरी तरफ देविका, नैना और जोया आपस में बातें कर रही थी कि जहां पर जोया देविका से ऋषि के बारे में जानना चाहती थी। जोया के आई एम फाइन वाले जवाब पर देविका ने कहा, इफ यू आर फाइन देन मुझे तुम्हारे चेहरे पर कुछ शिकन क्यों दिखाई दे रही है, तुम कुछ परेशान सी नजर आ रही हो, एवरीथिंग इज ओके? जोया ने थोड़ा सोचते हुए देविका से कहा, यस आंटी, एवरीथिंग इज ओके, बट आई जस्ट वॉन्ट टू नो हु इज ऋषि, क्या आपको किसी ऋषि के बारे में कुछ पता है, कौन है ये ऋषि? ऋषि का नाम सुनते ही देविका थोड़ी सी हैरान हुई और फिर उसी हैरानी के साथ उसने कहा, ऋषि क्यों, क्या हुआ? वैसे जहां तक मैं जानती हूँ, ऋषि प्रिया का फ्रेंड है। जोया ने अपने सवालों को आगे जारी करते हुए पूछा, आंटी सिर्फ फ्रेंड या उससे कुछ ज्यादा? जोया के इस सवाल पर देविका ने कहा, फ्रेंड या उससे ज्यादा, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, ये ऋषि प्रिया के खातिर राघव से टकराया था
और जो राघव से टकराया हो उसका अंजाम राघव ने क्या किया होगा। इस बात को तो तुम बहुत ही अच्छे से समझती हो, पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? देविका के इस सवाल का जवाब देते हुए जोया ने कहा, क्योंकि आंटी मैंने प्रिया को फोन पर शायद इसी ऋषि के बारे में बात करते हुए सुना है। प्रिया फोन पर किसी रोजी से बात कर रही थी और रोजी ने अपने बर्थडे पर प्रिया को आज बुलाया है, लेकिन उसने प्रिया को यह भी कहा है कि किसी भी कंडीशन में राघव और ऋषि आपस में नहीं मिलने चाहिए, इसीलिए रोजी नहीं चाहती है कि प्रिया के साथ यहाँ पर राघव भी आए। देविका ने सीरियस टोन में कहा, ओहो तुम चाहती हो कि आज प्रिया के साथ राघव भी वहां पर जाए? जोया ने तुरंत कहा, यस मैं चाहती हूँ कि राघव भी वहां पर जाए, जिससे कि उसे सच्चाई के बारे में पता चले, जिससे कि प्रिया और रोजी दोनों मिलकर राघव से क्या छुपाने की कोशिश कर रही है। डोंट वरी जोया, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो फिर जरूर ऐसा ही होगा। आज प्रिया अगर सिंह पैलेस से बाहर जाएगी तो उसके साथ राघव जरूर जाएगा, और जब वहां पर राघव और ऋषि आमने सामने होंगे तो खुद ब खुद सच्चाई का खुलासा हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर सिंह पैलेस से कुछ ही दूरी पर अपनी कार में बैठे हुए इंस्पेक्टर धनंजय ने अपने मुखबिर से ऋषि की कुंडली खंगालना शुरू की। इंस्पेक्टर धनंजय ने कहा, ऋषि लेकिन ये ऋषि हमारी मदद क्यों करेगा? मुखबिर ने इंस्पेक्टर धनंजय से कहा, क्योंकि ऋषि प्रिया का फ्रेंड है। इंस्पेक्टर धनंजय ने हैरान होते हुए कहा, ओ तो ऋषि प्रिया का फ्रेंड है, ओके। और सर बड़ी बात यह है कि वो प्रिया को पसंद भी करता है। भाई तुम्हें कैसे पता कि वो प्रिया को पसंद भी करता है, हैं? सर अगर कोई लड़का किसी लड़की के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा दे तो इसका मतलब तो यही होगा ना कि उसके दिल में किसी कोने में उस लड़की ने अपना ठिकाना बना लिया है। भाई तभी तो वो उसके लिए मौत से भिड़ गया होगा ना। इंस्पेक्टर धनंजय ने हैरान होते हुए कहा, मौत से भिड़ गया मतलब? सर जब राघव को उसके डैड आरडी बॉस ने प्रिया को सिंह पैलेस में रखने का ऑर्डर दिया था तो इसी ऋषि ने प्रिया को वहां से आजाद कराने के लिए राघव को रिंग की मुकाबला करने की चुनौती दे दी थी, और ऋषि ये फाइट राघव से जीत जाता। वो तो उससे प्रिया की रिहाई मांग लेता, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया और भाई फिर ना जाने ऋषि कहाँ गायब हो गया, इतने दिनों बाद अब वो नजर आया है। ठीक है समझते हैं इस ऋषि को भी फिर। सर लेकिन राघव के हाथ लगने से पहले हमें ऋषि से बात करनी होगी, क्योंकि अगर वो दोबारा राघव के हाथ लग गया तो फिर न जाने कब वो हमें दोबारा दिखाई देगा। इंस्पेक्टर धनंजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस ऋषि से मिल लेंगे लेकिन वो आरडी के खिलाफ खड़े होने में हमारी हेल्प क्यों करेगा? करेगा सर जरूर करेगा। अरे क्योंकि प्रिया आरडी से नफरत करती है और वो प्रिया से मोहब्बत, तो वो आरडी के खिलाफ हमारी मदद जरूर कर सकता है। बस अब आपको ना उसे बात करने की जरूरत है। ठीक है गुड, इसी तरह से अपने काम पर लगे रहना तुम। अपने मुखबिर से इतनी बात करने के बाद इंस्पेक्टर धनंजय शाह ने उसे अपने पॉकेट से कुछ रुपए निकाल कर दिए। रुपए लेकर मुखबिर ने इंस्पेक्टर धनंजय शाह को सल्यूट किया और फिर वहां से निकल गया, और इंस्पेक्टर धनंजय शाह ऋषि के बारे में सोचने लगा। इधर दूसरी तरफ सिंह पैलेस में राघव फ्रेश होकर प्रिया के रूम में पहुंचा, जहां रूम में पहुंचते ही उसकी नजर जूस के खाली ग्लास पर गई। राघव ने प्रिया के बेड के पास में रखे हुए सोफे पर बैठते हुए कहा, जूस फिनिश गुड। प्रिया के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। इस वक्त उसके जहन में यही चल रहा था कि वो ऐसा क्या कहे कि उसे राघव से रोजी के घर जाने की परमिशन में मिल जाए और राघव उसके साथ भी न जाए। वो इस बात को बहुत ही अच्छे से जानती थी कि राघव उसे परमिशन जरूर दे देगा, लेकिन उसे ये डाउट था कि कहीं राघव खुद उसके साथ रोजी के वहां जाने की बात ना कर दे, क्योंकि आज की रात प्रिया रोजी के वहीं पर रुकना चाहती थी। प्रिया राघव से कुछ कहने ही वाली थी कि उसके पहले ही राघव ने उससे कहा, प्रिया आज मॉर्निंग में जो कुछ भी हुआ जिसकी वजह से तुम अपने घर पर नहीं जा पाई, इस बारे में अभी हम कोई भी बात नहीं करेंगे। अगर इसके अलावा तुम मुझसे कुछ और कहना। राघव अपनी बात को पूरी करता उससे पहले ही प्रिया ने बेबाकी के साथ राघव से कहा,
मुझे रोजी से मिलने जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? पिया के इस तरह से अचानक रोजी के यहाँ जाने की बात सुनकर राघव कुछ सेकंड्स के लिए शॉक्ड हो गया, लेकिन अगले ही पल उसे इस बात का भी एहसास हुआ कि अभी अभी प्रिया की अपने घर मेहता मेंशन जाने की उम्मीद टूटी है। और ऐसे मुश्किल वक्त में प्रिया तो क्या, उसकी जगह कोई भी इंसान होता तो वो भी ऐसे वक्त में सबसे पहले अपने दोस्त को ही याद करता। राघव इस बात को इसीलिए भी बहुत अच्छे से समझ रहा था क्योंकि जब वो खुद प्रिया को उसके घर मेहता मेंशन नहीं ले जा पाया था तो उसे भी अपने दोस्त रिकी के पास ही जाना पड़ा। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और थी जिसे राघव समझ नहीं पा रहा था। राघव ने प्रिया की बात का जवाब देते हुए कहा, ओके जा सकती हो, तुम बिल्कुल अपनी फ्रेंड रोजी से मिलने जा सकती हो। प्रिया ने बिना राघव की तरफ देखे हुए ही कहा, थैंक्स। इतना कहने के बाद प्रिया वहां से जैसे ही उठी, राघव ने उसे रोकते हुए कहा, वेट। प्रिया ने अपने कदमों को वहीं पर रोक लिया। वो कुछ सेकंड्स के लिए ये सोचने लगी कि कहीं राघव उसके साथ जाने की बात तो नहीं करने वाला है। प्रिया की धड़कनें तेज चलने लगी थी। राघव ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, बट डिनर तो करती जाओ। प्रिया ने बिना राघव की तरफ देखते हुए जवाब दिया, नहीं मैं डिनर भी रोजी के साथ ही करूंगी और अगली मॉर्निंग यहां पर आ जाऊंगी। अगली मॉर्निंग के बारे में सुनते ही राघव ने हैरानी के साथ कहा, अगली मॉर्निंग, बट तुम्हें वहां पर नाइट स्टे करने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें रोजी से मिलने की परमिशन तो दे रहा हूं, क्या ये काफी नहीं है? राघव के मुंह से इतना सुनते ही प्रिया के चेहरे का रंग बदलने लगा, क्योंकि राघव के परमिशन देने वाले शब्द प्रिया को हमेशा किसी कैद में होने का एहसास दिलाते थे। प्रिया के चेहरे को देखकर राघव ने बहुत ही जल्दी इस बात को भांप लिया कि प्रिया के चेहरे का रंग क्यों बदल रहा है, और प्रिया कुछ कहती उससे पहले ही राघव ने कहा, ओके मैं बॉडीगार्ड से कह देता हूं कि वो तुम्हें रोजी के यहां पर लेकर चले जाएंगे। इसके बाद राघव प्रिया के रूम से बाहर नीचे हॉल में आ गया, तो प्रिया रोजी के यहां जाने के लिए रेडी होने लगी। उधर दूसरी तरफ देविका के रूम में प्रिया के जाने के बारे में इतनी बातें होने के बाद देविका ने जोया को इस बात का भरोसा दिलाया कि आज जो भी हो वो लोग प्रिया को रोजी के यहां अकेले नहीं जाने देंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि प्रिया के साथ राघव भी जाए ताकि राघव को ऋषि के बारे में भी पता चल सके। देविका, नैना और जोया तीनों रूम से बाहर निकल आई और डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ने लगी, जहां डाइनिंग रूम के पास हॉल में राघव बैठा हुआ था। इस वक्त सर्वेंट्स डाइनिंग टेबल को डिनर के लिए रेडी कर रहे थे, जिसे देखकर वो लोग भी वहीं राघव के पास आकर बैठ गए। मॉर्निंग में प्रिया से जुड़ी गहमा गहमी भरी बातों को भुलाकर सभी नॉर्मल बातें करने लगे। जोया ने मुस्कुराते हुए राघव से कहा, हे इट्स लॉन्ग टाइम जब हम सब एक साथ मिलकर डिनर करेंगे। राघव ने भी हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तभी नैना ने सबके चेहरे देखने के बाद अपनी नजरों को राघव पर रोकते हुए प्रिया के बारे में पूछा, भाई वेयर इज प्रिया, वो डिनर के लिए नीचे क्यों नहीं आई? नैना की बात को आगे बढ़ाते हुए जोया ने कहा, यस वेयर इज प्रिया, क्या वो हमारे साथ डिनर नहीं करती है? नैना और जोया के सवालों को सुनकर देविका के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई थी। देविका ने जोया के सवाल का जवाब देते हुए कहा, नो प्रिंसेस, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रिया तो रोज हमारे साथ ही डिनर करती है। हो सकता है हाँ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से प्रिया का मूड ठीक ना हो और इसीलिए वो अभी डिनर के लिए नीचे नहीं आई हो। सबकी बातें सुनने के बाद राघव ने सभी की तरफ देखा और फिर डाइनिंग टेबल की तरफ जाने के लिए वहां से उठकर कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल आज प्रिया अपनी फ्रेंड रोजी से मिलने जा रही है और उसी के साथ वहीं पर डिनर करेगी,
इसीलिए वो आज हमारे साथ यहाँ पर डिनर नहीं कर रही है। राघव के मुंह से इतना सुनने के बाद तीनों को ये बात कंफर्म हो गई कि प्रिया ने राघव से रोजी के यहाँ जाने के लिए परमिशन ले ली थी, लेकिन अभी उनका ये जानना बाकी था कि प्रिया ने राघव को रोजी की बर्थडे वाली बात बताई है या नहीं। और दूसरी बात, अब वो तीनों नीचे हॉल में प्रिया के आने का इंतजार कर रही थी ताकि वो अपने पैतरों से प्रिया के साथ राघव को भी उसके साथ रोजी के यहाँ पर भेज सके। आखिर देविका, नैना और रोजी ऐसा क्या करेंगी जिससे कि प्रिया अकेली घर से बाहर ना जाए? क्या इन तीनों की बातों से राघव को पता चल जाएगा कि रोजी के साथ ऋषि भी प्रिया का इंतजार कर रहा है? जानने के लिए सुनिए माय गैंगस्टर लवर का कल अपलोड होने वाला नेक्स्ट एपिसोड। और हाँ, इस शो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो सुनते रहिए पॉकेट एफएम।